जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप कॉल, मैसेज या फिर व्हाट्सएप पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जब आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली का विश्लेषण कराते हैं या कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको विवाह संबंध की जानकारी पूर्ण रूपेण दी जाती है। इसमें आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, कब होगी, क्या दोष लगा है, उस दोष का निवारण क्या है और निवारण के पश्चात कितने वर्ष में आपके विवाह के योग बनेंगे, कितने महीने में विवाह के योग बनेंगे, शादी किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, सरकारी नौकरी वाला होगा, कारोबारी होगा या रोजगार करने वाला होगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाते हैं तो आपको विवाह संबंध की जानकारी दी ही जाती है, साथ में उनके चरित्र के बारे में, स्वभाव के बारे में, अनुकूलता के बारे में, कैरियर के बारे में भी जानकारी दी जाती है। वैसे अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आपके विवाह के योग बन रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं तो आप अपने स्थानीय पंडित वा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें, उनका मिलान अवश्य करा लें, इससे आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि नवंबर और दिसंबर दो महीने में जो है, हालांकि वैसे अगर विवाह मुहूर्त देखा जाए तो केवल एक महीने का है, लेकिन तैयारियां दो महीने से पहले से की जाती है। तो नवंबर और दिसंबर के महीने जिन पांच भाग्यशाली राशि के जातक के विवाह के योग है और उस राशि के जातक के विवाह किस नाम से होने के योग है, किस दिशा में होने के योग है, तो ये तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वहीं अगर आपको बता दें कि अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपकी लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है, यह जानकारी ज्ञात करना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें, हम आपको यह बताएंगे कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दिसंबर का महीना वर्ष का अंतिम महीना है, अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो यह वर्ष का अंतिम महीना होता है। हालांकि अगर बात करें विवाह के लिए तो लग्न का जो है विवाह मुहूर्त जो है प्रारंभ ही होता है, तो नवंबर में जो है जब भगवान विष्णु जागृत होते हैं तो उस समय से विवाह मुहूर्त के कार्यक्रम किए जाते हैं, विवाह किए जाते हैं। तो दिसंबर का महीना बेहद शुभ रहने वाला है। हालांकि दिसंबर के महीने में सूर्य का गोचर धनु राशि में हो जाएगा 15 दिसंबर को, तो उसके पश्चात से एक माह तक जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे, विवाह संबंध के कोई भी कार्य नहीं किए जाएंगे और इस दौरान जो है जातक के केवल और केवल जो है रिश्ते देखे जा सकते हैं, रिश्ते को नया आयाम दिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि दिसंबर महीने जो विवाह मुहूर्त कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अगर आप विवाह मुहूर्त की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, दिसंबर के महीने में विवाह तय करना चाहते हैं, तो दिसंबर के महीने में 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 10 तारीख 11 तारीख 13 तारीख और 14 तारीख, तो 3, 2, 5 यानी 7 दिन तक जो है दिसंबर के महीने में विवाह मुहूर्त है। और यह जानकारी आपको मथुरा पंचांग से दी है, मिथिला पंचांग, काशी पंचांग या बनारस के पंचांग से, इसके अलावा उज्जैन के पंचांग या फिर नासिक जो कालचक्र है वहां के पंचांग में भिन्न भिन्न अंतर हो सकते हैं। तो स्थानीय आप पंचांग का अवश्य ही अनुसरण करें, इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो दिसंबर के महीने में जो ग्रहों का राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार रहेगा। गुरु जो है वर्तमान समय से लेकर अगले साल तक जो है मई महीने तक वृषभ राशि में ही रहेंगे, राहु कन्या राशि, राहु मीन राशि में विराजमान रहेंगे, केतु कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, शनि जो है कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे 29 मार्च 2025 तक। तो दिसंबर के महीने में इन चार राशि के ग्रहों के राशि जो है वो तो निर्धारित है, अन्य राशि जो है वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि में 15
दिसंबर को, उससे पूर्व जो है नवंबर में 16 नवंबर को जो है सूर्य जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र जो है वो 2 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और बात करें अगर बुध की और मंगल की तो ये राशि परिवर्तन इस वर्ष के अंत में करेंगे अक्टूबर में, और फिर नवंबर दिसंबर में इनके मुहूर्त गोचर करने के योग नहीं है, जनवरी में ही गोचर करें। तो बुध जो है वो वृषभ राशि में रहेंगे और मंगल जो है वो कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। आइए मैं आपको उन 5 भाग्यशाली राशि के बारे में बता दें। तो प्रथम राशि कर्क है, अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो दिसंबर का महीना आपके लिए उत्तम रहने वाला है, उससे पहले भी आपके लिए विवाह के योग हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में भी योग हैं अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य है, कर्क राशि के हैं, उनके लिए शुभ योग है दिसंबर के महीने में। अगर बात करें नाम की, तो अगर आप एच नाम के लड़के हैं तो आपकी जो शादी है ललिता गरिमा मोनी लक्षिता, यानी कि अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो एच नाम होगा आपका, और आपके जो विवाह जो है वो ललिता गरिमा मोनी लक्षिता सोनी सोनालिका शिवानी आदि नाम के लड़की से हो सकती है। वहीं अगर आप एच नाम की लड़की हैं तो आपकी जो विवाह है वो लव ललित मनीष गणेश महेंद्र आदि नाम से होने की संभावना प्रबल है अगर आप कर्क राशि के जातक। दूसरी राशि जो है कर्क राशि, अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए 27 वर्ष से 32 वर्ष के मध्य जो भी कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए योग है दिसंबर के माह में भी। और बात करें दिशा की तो उत्तर दिशा आपके लिए शुभ है। बात करें अगर दिन की तो बुधवार शुक्रवार और शनिवार का दिन शुभ है, इन 3 दिनों में बुधवार का और शुक्रवार का दिन बेहद शुभकारी है। वहीं बात करें नाम अक्षर की, तो अगर आप पी नाम के लड़के हैं तो आपकी जो शादी है वो सुधा दामिनी आरुषी अंशु इसके अलावा अनामिका अंशिका आदि नाम से होने के प्रबल योग। वहीं अगर आप कन्या राशि की लड़कियां हैं तो फिर आपके जो है अमित अनुज अमिताभ दीवाना साजन संजय आदि नाम से होने के प्रबल योग है। हालांकि विवाह अगर मकर राशि से हो तो ज्यादा उत्तम है अगर आप कन्या राशि के जातक है यानी कि जे नाम से। आपको शीघ्र विवाह के लिए क्या करना है तो गणेश जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करनी है। इसके अलावा अगर आप लड़की हैं तो श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें, गुरुवार का व्रत रख सकती है, गुरुवार का व्रत जो है वो शुक्ल पक्ष में अवश्य प्रारंभ करें। अगली जो राशि है वृषक राशि, अगर आप वृषक राशि की जातिका है जातक है तो फिर आपके दिसंबर महीने में 100% योग है नवंबर और दिसंबर महीने। अगर आयु देखी जाए 21 वर्ष से 32 वर्ष के मध्य ही है। अगर बात करें दिशा की तो दक्षिण दिशा इनके लिए प्रबल है। और नाम की बात करें तो अगर आप एन नाम के लड़के हैं तो सीता संगीता टीना ईसा यशोदा आदि नाम से विवाह के योग है। वहीं अगर आप एन नाम के लड़कियां हैं लड़की हैं तो फिर आपके लिए सौरभ सोनू शेखर तिलक राहुल राजू टिंकू आदि नाम से होने के प्रबल योग है अगर आप वृषक राशि के जातक है। वहीं अगली जो राशि है वो जे नाम यानी कि मकर राशि के जातक है। चूंकि 15 नवंबर को जो है शनि मार्गी हो जाएंगे तो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएंगे, तो मकर राशि के जो भी जातक है उनके लिए विवाह के योग नवंबर महीने से बन रहेंगे। और अगर किसी कारणवश नवंबर में नहीं बनते हैं विवाह के योग, चूंकि कई जातक मांगलिक भी होते हैं, कई जातक की कुंडली में दोष भी लगता है, उन्हें ज्ञात नहीं रहता है, तो आप उससे पूर्व जो है उसका निवारण अवश्य करा लें, इससे आपके विवाह में आने वाले बाधा दूर हो जाएगी। तो मकर राशि के जो भी जातक है उनके लिए पश्चिम और दक्षिण का दिशा शुभ है, इन दोनों दिशाओं में से किसी एक दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। अगर बात करें नाम अक्षर की तो आर ए एस, तो वहीं अगर आप आर नाम जे नाम के लड़के हैं तो आपकी जो शादी है रचना रिंकू रीता अनन्या सुधा सावित्री शिल्पी आदि नाम से होने के प्रबल योग है अगर आप जे नाम के लड़के हैं तो। वहीं अगर आप जे नाम की लड़की हैं राहुल रूपेश आनंद अर्जुन अमिताभ अनन्या अंशिका आरोही आदि नाम से होने के प्रबल योग है। तो कुल मिलाकर आर ए एस नाम से जो है वो मकर राशि के जातकों के विवाह के योग बनते हैं। अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है, यानी 5वीं जो राशि मीन राशि है। मीन राशि के जातक के राहु के गोचर से इस प्रकार के योग वर्ष भर बन रहे हैं, क्योंकि राहु जो है मायावी ग्रह होते हैं और गृहस्थ आश्रम में जो है प्रवेश करने के लिए जो है वो सूचक होते हैं, यानी कि अगर राहु का गोचर हो तो फिर जातक के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की संभावना बढ़ जाती है। तो मकर राशि के अलावा जो है मीन राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है दिसंबर के महीने में, 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के मध्य जो है इस राशि के जातक के भी विवाह के योग है। अगर बात करें नाम अक्षर की तो मीन राशि के जातकों का नाम अक्षर डी से होता है और इनके विवाह जो है उत्तर और पूर्व दिशा में होते हैं, यानी ईशान कोण में होते हैं, या तो पूर्व में भी हो सकते हैं या फिर उत्तर में भी हो सकते हैं, यानी तो उत्तर पूर्व दिशा में। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक जी नाम के जातक वी नाम के जातक में से किसी एक
एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बनने के योग हैं। अगर बात करें नाम अक्षर की तो अगर आप डी नाम के जातक लड़के हैं तो सीता गीता बीना शिखा स्नेहा गरिमा वंदना आदि नाम से आपके विवाह के योग बन रहे। वहीं अगर आप डी नाम की लड़की हैं संकल्प सोनू सुधीर संजीव गौरव विवेक गणेश आदि नाम से आपके विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप डी नाम के जातक। तो ये पांच भाग्यशाली राशि के जातक है जिनके दिसंबर के महीने में विवाह के योग हैं। और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन ग्रहों की राशि परिवर्तन और उनका आकलन करके भविष्यवाणी ज्ञात करके दी गई है। हमारा उद्देश्य मैं आज आपको सूचना पहुंचाना, आप इसे सूचना हेतु लें। अगर आप इसे मानते अपनाते अथवा उपयोग करते तो उससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। कुंडली में किसी प्रकार के दोष लगने पर यह जानकारी आप पर जो है लागू नहीं हो पाएगी, इसका आप अवश्य ध्यान रखें। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु।